हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी एजू हब ऑनलाइन क्लासेज। आज का जो टॉपिक है हमारा वो मूंगफली का चित्ती या टिक्का रोग। मूंगफली जो होती है इसकी पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं जिसे चित्ती रोग कहते हैं। देखेंगे इसमें मूंगफली का पर्ण चित्ती रोग, यानी कि पर्ण जो होती है इसकी लीफ या पत्ती जो होती है उसके ऊपर धब्बे बन जाते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं पर्णचित्ती रोग। और कारण क्या है इसमें, सबसे पहले इसके लक्षण जो होते हैं उन लक्षणों में हमें दिखाई देंगे इसकी पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे धब्बे। इन धब्बों की वजह से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है, कम हो जाती है। कारण ये होता है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कम क्यों हो जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सर्वाधिक किस में होती है, पादप के कौन से भाग में होती है, पत्तियों में होती है, क्योंकि क्लोरोफिल की मात्रा सर्वाधिक पत्तियों में ही पाई जाती है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक पत्तियों में। अब यदि पत्तियों के ऊपर धब्बे हो जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण के लिए वो क्षेत्र जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जो गति है वो धीमी हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की गति धीमी हो गई इसका मतलब पादप के अंदर भोजन का जो निर्माण हो रहा है, खाद्य पदार्थों का जो निर्माण होता है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। कमी होने की वजह से पादप जो है उसको पूर्ण रूपेण भोजन नहीं मिलेगा और पादप धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। पादप जब कमजोर होगा तो उसके अंदर फलियां कम लगेंगी, छोटी लगेंगी आकार में। कम और छोटी लगने की वजह से जो पैदावार होनी थी, जो उत्पादन होना था वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लक्षण क्या है इसमें, सबसे पहले लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो गई। कम होने से भोजन कम बना, पौधा जो है वो कमज़ोर, कमज़ोर होने की वजह से उत्पादन में क्या आ गई, कमी आ गई। अब लक्षण भी जो है वो हमारे पास में दो रूपों में दिखाई देते हैं, इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, अगेती पत्ती धब्बा रोग और पछेती पत्ती धब्बा रोग। अगेती पत्ती धब्बा रोग का मतलब ये होता है यानी कि पौधा जो है वो कितने समय का हो चुका है, कितनी अवधि का हो गया है पौधा, और कितनी अवधि के पौधे के ऊपर लक्षण दिख रहे हैं, इसके आधार पर दो पार्ट हैं। यदि जल्दी दिखाई देते हैं तो अगेती, बाद में दिखते हैं तो पछेती। दोनों में हम डिफरेंस करेंगे, दोनों में अंतर पढ़ेंगे, हम किस प्रकार से डिफरेंस है दोनों में वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में है अगेती पत्ती धब्बा रोग और दूसरा है पछेती पत्ती धब्बा रोग, जिनको निम्न गुणों के आधार पर हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले धब्बे उत्पन्न होने का समय, पहला पॉइंट जो है इसमें वो धब्बे उत्पन्न होने का समय। यदि जल्दी होते हैं तो अगेती पत्ती धब्बा रोग और बाद में होते हैं तो पछेती पत्ती धब्बा रोग। अब सीधा सा यहाँ से हम पहला जो पॉइंट है इसमें वो है धब्बे उत्पन्न होने का समय। तो अगेती पत्ती धब्बा जो होता है वो पौधे की जो अवधि है वो 3 से 4 सप्ताह की हो जाए। पौधा जो है वो कितना बड़ा हो गया, 3 से 4 सप्ताह का। यदि 3 से 4 सप्ताह के पौधे के ऊपर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इसको हम बोलेंगे अगेती पत्ती धब्बा रोग। यानी कि धब्बे जो है वो क्या दिखाई दिए, जल्दी, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, अगेती पत्ती धब्बा रोग। इसी प्रकार से यदि लक्षण जो है वो देरी से दिखाई देते हैं, बाद में दिखाई देते हैं तो इसको हम बोलेंगे पछेती पत्ती धब्बा रोग। यानी कि 6 से 8 सप्ताह की अवधि का पौधा जब हो जाता है तो उसके ऊपर जब लक्षण दिखते हैं तो क्या कहलाएगा वो, पछेती पत्ती धब्बा रोग। सीधा सीधा सा डिफरेंस है, यदि 3 से 4 सप्ताह के पौधे पर दिखाई देते हैं तो अगेती, 6 से 8 सप्ताह के ऊपर दिखाई देते हैं तो पछेती पत्ती धब्बा रोग। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट इसमें आता है धब्बे का आकार, जो धब्बे बने हैं उनका आकार कैसा है, संरचना कैसी है उनकी। तो अगेती पत्ती धब्बा जो रोग होता है उसमें आकार जो है वो अनियमित होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है, किसी भी प्रकार का, किसी भी आकार का वो बन सकता है। लेकिन पछेती पत्ती धब्बा जो रोग है उसमें फिक्स होता है कि इसमें बनने वाला जो धब्बा होगा वो सर्कुलर होगा, राउंडेड होगा, यानी कि गोलाकार होता है। नेक्स्ट, अगेती पत्ती धब्बा जो रोग है
उसमें रंग धब्बा जो बना है उसका रंग कैसा है? लाल भूरे से काले रंग का धब्बा कैसा बना? लाल भूरे से काले रंग का। और पछेती पत्ती धब्बा जो रोग है उसमें कैसा बना? भूरा काला। इसी के साथ में पीला घेरा। अब जैसे कोई लीफ जो है पत्ती है, अब इसके ऊपर कोई धब्बा जो बना है, जैसे जैसे इसी से बताते हैं आपको, ये धब्बा बन गया है यहाँ पे, इसका कलर भूरे से काला रंग। साथ ही एक गुण और है इसमें कि दोनों में डिफरेंस करने के लिए कि धब्बा जो बना है इसके चारों ओर पीला आवरण, पीला घेरा जिसे आभा मंडल भी बोलते हैं, वो उपस्थित है या नहीं है, इसके आधार पर भी इसको बांटते हैं। तो अगेती पत्ती धब्बा जो रोग होता है उसमें जो धब्बा बनता है लाल भूरे से काले रंग का, उसके चारों ओर पीले रंग का क्या बनता है? घेरा, घेरा उपस्थित होता है। जबकि पछेती पत्ती धब्बे जो रोग है उसके अंदर ये पीला घेरा नहीं बनता, अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, संख्या व आकार। संख्या जो है उसमें देखेंगे हम, जैसे यही है यहाँ पे लीफ जो है, लीफ का साइज जो है वो सेम है, लेकिन धब्बों की जो संख्या है और आकार है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे संख्या जो है यदि ज्यादा होगी, संख्या यदि क्या है ज्यादा, तो इनका आकार क्या होगा? आकार क्या रहेगा? छोटा। छोटे आकार के होंगे तो यहाँ पे संख्या क्या आएगी लीफ में? ज्यादा आएगी। अब यदि आकार बड़ा हो गया तो संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जो क्षेत्र है हमारे पास में लीफ का वो फिक्स है। इस वजह से अगेती पत्ती धब्बा रोग जो होता है इसमें धब्बे कम बनते हैं, धब्बे कम बनेंगे तो क्षेत्र ज्यादा है, इस वजह से आकार क्या होगा उनका? ज्यादा, आकार बड़ा होता है, 1 से 10 mm। पछेती पत्ता धब्बा रोग में धब्बे जो होते हैं, धब्बों की संख्या ज्यादा, तो आकार क्या हो गया इसमें? कम हो गया, 1 से 6 mm। हानिकारक प्रभाव। अगेती पत्ती धब्बा जो रोग होता है ये कम हानिकारक होता है, पछेती पत्ती धब्बा रोग ज्यादा हानिकारक होता है। रोगजनक सर्पोस्पोरा, अरेकीडी कोला, ये अगेती पत्ती धब्बा रोग के लिए, और पछेती के लिए सर्पोस्पोरिडियम परसोनेटम, सर्पोस्पोरिडियम परसोनेटम। इस प्रकार से जो लक्षण हैं वो समाप्त होते हैं। लक्षणों में सबसे पहले क्या दिखाई देते हैं हमें? धब्बे दिखाई देते हैं, इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम, पौधा कमजोर, फली कम लगेंगी, छोटी होंगी, उत्पादन कम हो जाएगा। दो भागों में बांटा गया, अगेती पत्ती धब्बा रोग और पछेती पत्ती धब्बा रोग। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है यहाँ से, अगेती पत्ती धब्बा रोग और पछेती पत्ती धब्बा रोग जो है उनके लक्षण लिखिए या दोनों में डिफरेंस कीजिए। अब इसके बाद में आता है रोगजनक। रोगजनक हमने पढ़ लिया इसी में, रोगजनक जो होता है वो क्या है इसमें? सर्पोस्पोरा अरेकीडी कोला, सर्पोस्पोरिडियम परसोनेटम। मेनली हमें याद रखना है सर्पोस्पोरा अरेकीडी कोला, ये भी लिख सकते हैं इनमें ये है। अब सर्पोस्पोरा अरेकीडी कोला या कवक जो है, ये कवक बीजोड़ नीरा यहाँ पे कैसा होता है? बीजोड़ या मृदोड़, यानी कि ये बीजों में और मृदा के अंदर जीवित रहता है। जब अनुकूल वातावरण आता है तो ये बदलता है कोनिडियम में, कोनिडियम अवस्था के अंदर बदल के भूमि से ये पत्तियों पर पहुंचता है और अपना संक्रमण प्रदर्शित करता है, संक्रमण फैलाता है, नुकसान पहुंचाता है पौधे पर। अब आता है इसमें प्रबंधन। प्रबंधन जो है वो तीन प्रकार के हैं हमारे पास में यहाँ, एक सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन जो होता है वो कॉमन है लगभग सभी में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे स्वस्थ और प्रमाणीकृत जो बीज आते हैं उनका हमें उपयोग करना चाहिए, अगेती बुआई करनी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, ये सभी जो है कॉमन है पहले से, तो इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सभी एक में याद करके सभी में अपन इसको लिख सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन के अंदर दो पार्ट है, एक तो बीजोपचार, जो बीज हम मार्केट से लेकर आ रहे हैं उसका उपचार करना चाहिए, उपचारित करके ही उनकी बुआई करें। उपचारित करने के लिए हमारे पास में
थायरम है, थायरम का उपयोग कर सकते हैं या फिर क्रेप्टॉन, इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 2.5 ग्राम की जो मात्रा है वो 2.5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से। यदि बीज हमारे पास में कितना है, 1 केजी, तो उसको उपचारित करने के लिए कितने थायरम की आवश्यकता होगी, 2.5 ग्राम। कार्बेंडाजिम जो है, इसको जल में इसका घोल बनाकर इसका क्या करना चाहिए, पौधे पर छिड़काव करना चाहिए। लास्ट जैविक, इसमें इसकी किस्म जो होती हैं, रोगरोधी किस्में जो होती हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। ICGS 10 और VRI 3, इसका उपयोग करके हम इस रोग से पौधे जो होते हैं उनको बचा सकते हैं। इस प्रकार से जो मूंगफली के अंदर चिट्टी रोग जो है वो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।